नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल वायरलेस आईक्यू क्लासेस में। दोस्तों एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ आपके 10 क्वेश्चन का क्विज, 10 का डूज। तो चलते हैं आज के सेशन पर। आज का सेशन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि आपको इस वीडियो की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आप हमारे जो इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलते हैं आज के पहले सेशन पर। बहुत ही जो अच्छा क्वेश्चन रखे हुए हैं इस सेशन में, तो देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है कि भारत की पहली यूरेनियम खदान जादू गोड़ा क्या है। भारत की पहली यूरेनियम खदान जादू गोड़ा कहाँ पर स्थित है। हमारे ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी ओडिशा, सी झारखंड, या ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। दोस्तों जो हमारा जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी झारखंड। जो भारत की पहली यूरेनियम खदान कौन सी है, जादू गोड़ा, यह कहाँ पर है, झारखंड। झारखंड में कहाँ पर, सिंहभूम में, ठीक है ना दोस्तों, सिंहभूम, ठीक ना। काफ़ी फेमस जो ये जादू गोड़ा खदान है, ठीक है ना, कई बार क्वेश्चन पूछे गई है ये क्या है, पहली यूरेनियम खदान है, इसकी वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है इसे क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम का पार्ट बना हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। हमारे ऑप्शन है ए 1949, बी 1951, सी 1952, या ऑप्शन नंबर डी 1953। जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर बी 1951। जो भारतीय संविधान पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में, और किस में हुआ था, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना दोस्तों, मौलिक अधिकार में इसको संविधान संशोधन हुआ था, ठीक ना दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने किसके ऊपर अपनी विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व, है ना, ठीक ना, ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत की थी। हमारे ऑप्शन है ए इंडो ग्रीक, बी सकस, सी पारसीनाथ, डी कुषाण। दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी सकस। जो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य है ना, उन्होंने सकस के विजय के उपलक्ष्य में सकस पर अपनी विजय प्राप्त की थी, इसके उपलक्ष्य में उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की थी, ठीक है, कब इस शुरुआत की थी, 58 ईसा पूर्व में। और जो विक्रम संवत है ये भारत और नेपाल में जो समय गणना प्रणाली है, ठीक है ना दोस्तों। और ये जो राजा विक्रमादित्य हैं ये कहाँ के, ये मालवा के शासक थे, कहाँ के, मालवा के शासक। और ये सकस जो है ये गुजरात के शासक थे। इन्होंने जो राजा विक्रमादित्य है ना, इन्होंने गुजरात के जो गुजरात में सकों को पराजित कर दिया, और उसके साथ उसके बाद इन्होंने राजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है ना दोस्तों। राजा विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी, जो सब शकों को पराजित किया था, और इसके बाद इन्होंने शक संवत की शुरुआत की थी, सॉरी विक्रम संवत की शुरुआत की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। हमारे ऑप्शन है ए राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, बी लोकसभा के सदस्यों द्वारा, सी भारत की जनता द्वारा, ऑप्शन नंबर डी विधानसभा के सदस्यों द्वारा। दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, ठीक है ना दोस्तों। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, जो चुने जाते हैं, राज्यसभा जो जाते हैं, वह राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ठीक ना दोस्तों। इसलिए जो जाता है वो कहीं ना किसी राज्य से होता है, कि जैसे मनमोहन सिंह थे हमारे जो पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने पहली बार जो है असम से राज्यसभा वो चुना गया था संसद, ठीक है ना दोस्तों। इसी तरह ये जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो राज्यसभा की विधानसभाओं के द्वारा सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में पूर्व प्रधानमंत्री किसका नाम भारतीय करेंसी नोट पर देखा जा सकता है। हमारे ऑप्शन है ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी इंदिरा गांधी, सी डॉक्टर मनमोहन सिंह, या ऑप्शन नंबर डी नरसिम्हा राव। जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है ना दोस्तों। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे, वो जो भारतीय नोट पर उनके साइन भी है, क्यों है, ये जो मनमोहन डॉक्टर मनमोहन सिंह है ये वित्त ये जो है
ये RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसकी वजह से इनके जो साइन है वो भारतीय करेंसी पर देखे जा सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये कब गवर्नर थे? ये 15वें गवर्नर थे, ठीक है ना। कौन से नंबर के? 15वें गवर्नर थे, 15वें गवर्नर मनमोहन सिंह। और ये जो कब से कब तक थे, तो ये 1982 से 1985 तक, ठीक है ना दोस्तों। 1982 से 1985 तक RBI में गवर्नर थे, ठीक है ना दोस्तों। और ये हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ये 2 बार लगातार प्रधानमंत्री रहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये कौन से प्रधानमंत्री थे? 13वें नंबर के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, ठीक है ना दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में कि दो महान मुगलों ने अपनी अपनी यादें लिखी हैं, वह कौन है? अपनी अपनी यादें मतलब कि अपनी अपनी आत्मकथा लिखी है। हमारे ऑप्शन है ए बाबर और हुमायूं, बी हुमायूं जहांगीर, सी बाबर और जहांगीर, या ऑप्शन नंबर डी जहांगीर और शाहजहां। तो हमारा जो सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर डी सी बाबर और जहांगीर, ठीक है ना दोस्तों। ये मुगल शासक हैं दोनों लोग, और इन्होंने अपनी अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं, बाकी की आत्मकथाएं उन किसी ने और ने लिखी है, लेकिन जो बाबर और जहांगीर हैं उन्होंने अपनी अपनी आत्मकथा खुद लिखी है। बाबर की आत्मकथा को तुझके बाबरी कहते हैं, और जहांगीर की आत्मकथा को तुझके जहांगीरी। और जो बाबर की आत्मकथा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी। वह एकमात्र मुगल बादशाह हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा को तुर्की भाषा में लिखा था। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। बाकी सारी आत्मकथाएं फारसी भाषा में लिखी गई हैं। जहांगीर की भी आत्मकथा जो है उन्होंने फारसी भाषा में लिखी है, और तुर्की भाषा जो बाबर की आत्मकथा है तुर्की भाषा से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था यह भी पूछा जाता है। तो वे कौन थे? अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है ना दोस्तों। क्या? अब्दुल रहीम खाने खाना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय कहाँ है? हमारे ऑप्शन है ए बम्बई उच्च न्यायालय, बी मद्रास उच्च न्यायालय, सी इलाहाबाद उच्च न्यायालय, या ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता उच्च न्यायालय। दोस्तों जो सही आंसर होगा इसका वह होगा ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता उच्च न्यायालय। जो भारत का सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। ये कब बना था? ये जो 1 जुलाई कब बना था? 1 जुलाई कलकत्ता उच्च न्यायालय 1 जुलाई 1862 को 62 को स्थापित हुआ था। कौन सा? ये एक अधिनियम आया था उच्च न्यायालय अधिनियम 1891 के तहत स्थापना की गई थी, ठीक है ना दोस्तों, कलकत्ता उच्च न्यायालय की। और वर्तमान में जो है इसका ये जो इसके जो मतलब कि अंडर में कौन कौन आता है, ये पश्चिम बंगाल राज्य है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये दोनों राज्यों का वो देखता है, ये दोनों उसका क्या है उच्च न्यायालय, ठीक है ना दोस्तों। याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है साहित्य और कला के महान संरक्षक राजा भोज निम्नलिखित में किस राजवंश से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है ए कर्कोट, बी उत्पल, सी परमार, या ऑप्शन नंबर डी गुज्जर प्रतिहार। जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर सी परमार, ठीक है ना दोस्तों। जो राजा भोज थे वो परमार वंश से संबंधित थे, इन्हें क्या कहा जाता है? परमार जी परमार वंश के 9वें राजा थे, ठीक है ना दोस्तों। क्या? राजा परमार भोज इनका नाम भी कहा जाता है, ठीक ना दोस्तों। और ये कहा जाता है कि जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? भोपाल। जो भोपाल है ये इन्हीं के द्वारा जो स्थापित किया गया था, और इसे नाम क्या दिया था उस समय? उस समय इसका नाम था भोजपाल नगर। क्या नाम था? भोजपाल नगर। भोजपाल नगर जो भोपाल जो कहा जा सकता है कि भोपाल की स्थापना किसने की थी? तो राजा भोज ने, ठीक है ना दोस्तों। और ये परमार वंश के शासक थे, परमार वंश के 9वें राजा थे, ठीक ना दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहले मुगल सम्राट कौन था? हमारा ऑप्शन है ए शाहजहां, बी हुमायूं, सी बाबर, या ऑप्शन नंबर डी अकबर। जो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी बाबर। जो बाबर है भारत में पहले मुगल सम्राट थे, ठीक है ना दोस्तों। ये कब आए थे भारत? 1526 में मुगल बादशाह बने थे, ठीक है ना दोस्तों। कब? 1526 में बाबर। और अभी बाबर के बारे में बताया कि बाबर की जो आत्मकथा है कई बार पूछी जाती है, स्वयं बाबर ने लिखी थी तुझके बाबरी, और ये किसकी भाषा कौन सी थी? तुर्की भाषा में, ठीक है ना दोस्तों।
कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक ना दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत सरकार द्वारा पंचवर्षीय, मतलब कि पंचवर्षीय 2012-17 का क्रमान्वय किया जा रहा है, मतलब कि ये जो पूरी हो चुकी है, तो ये कौन सी 2012-17 तक कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। हमारा ऑप्शन है ए 10वीं, बी 11वीं, सी 12वीं या डी 13वीं। तो जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी 12वीं, जो 2012-17 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना का क्रमान्वय किया गया था, ठीक है ना दोस्तों। इससे पंचवर्षीय योजना से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको इस पंचवर्षीय योजना से अगर सेशन चाहिए, आपको वीडियो बनाऊं, तो आप वीडियो के इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर हमें इस वीडियो, मतलब कि पंचवर्षीय योजनाओं से वीडियो चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। अगर आप कहेंगे तो ही मैं बनाऊंगा। तो जो ये पंचवर्षीय 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका कार्यकाल क्या था, 2012-2017 तक। और ये जो भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि इसके बाद जो NDA सरकार थी, नरेंद्र मोदी की सरकार, इन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं बनाना बंद कर दिया था, ठीक ना दोस्तों। इन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं बनाना बंद कर दिया था। इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो पंचवर्षीय योजनाएं किस देश से ली गई, तो ये रूस है ना, वर्तमान में रूस, तब क्या था, USSR, ठीक है ना, USSR से ली गई है, ठीक है ना दोस्तों। और ये जो इससे कई बार पूछा जाता है कि ये किस मॉडल पर आधारित हो, तो ये जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, तो किसने तैयार की थी, सी रंगराजन द्वारा, इसके द्वारा सी रंगराजन द्वारा तैयार की गई थी। और जो इससे अगर बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-1956 तक चली थी। कब, 1951-56 तक। और जो इसकी शुरुआत की थी जवाहरलाल नेहरू के समय हुई थी, ठीक है ना दोस्तों। जो पंचवर्षीय योजना है जवाहरलाल नेहरू के समय में शुरुआत की हुई थी, ठीक है ना दोस्तों। और जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वह किस मॉडल पर आधारित थी, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी किस मॉडल पर आधारित, कौन सी थी, हेरॉल्ड, क्या नाम था पंचवर्षीय योजना का, हेरॉल्ड डूमर मॉडल, हेरॉल्ड डोमर मॉडल पर आधारित, ठीक ना दोस्तों, याद रखिएगा हेरॉल्ड डोमर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये जो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, उसका जो कि लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। हमारे ऑप्शन थे ए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, बी एन्नौर बंदरगाह, सी छत्रपति शिवाजी महाराज, डी पारादीप बंदरगाह। जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है ना दोस्तों। जो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये कहाँ पर है, ये मुंबई में है। मुंबई में कहाँ, मुंबई में, ठीक है ना, मुंबई दक्षिण मुंबई में स्थित है, ठीक ना। ये एक प्रमुख बंदरगाह है और ये मालवाहक जहाज़ों का आवागमन होता है यहाँ मुख्य रूप से, ठीक ना दोस्तों। और ये सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह, ठीक ना दोस्तों। और इसको नावाशेला भी कहा जाता है, क्या, नावाशेवा, ठीक ना दोस्तों, नावाशेवा बंदरगाह भी कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को, ठीक ना। यह सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह, ठीक ना दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो आज के वीडियो का क्वेश्चन है कि अविश्वास प्रस्ताव किसके में पारित किया जाता है, ठीक ना दोस्तों। हमारे ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर आपको नहीं पता तो नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मैं बताऊँगा, ठीक ना दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।